अनियंत्रित होकर कार खेत में जा पलटी, एक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। जी हां, खबर सागर के देवरी से, जहां देवरी थाना अंतर्गत ग्राम जमुनिया पंडित में देर शाम एक हादसा हो गया, जिसमें गाड़ी चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। कार में कुल 7 लोग सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौझामा से रसैना बारात में लोग शामिल होने आए थे। बारात में आए यह लोग अपने घर गौझामा लौट रहे थे, तभी ग्राम जमुनिया पंडित के पास कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभों को तोड़ती हुई खेत में जा पलटी। तो ये हादसा कहाँ हो गया? जमुनिया के यहाँ हो गया। हाँ, जमुनिया। कैसे हो गया? वो मास चले आ रहे थे सर, हम वहाँ से टकरा है। कैसे टकरा है जा रही? अभी हम नहीं बता सकते। कैसा ड्राइवर आप तो नहीं दिया थे? नहीं, वो नहीं दिया। कितने लोग बैठे थे गाड़ी में आप लोग? लोग हम 3-6 जने थे। 6 जने एक ही परिवार के? नहीं, हम ठाकुर। गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी किसकी है? संजू लिया तो वो ड्राइवर रिजर्वेशन से ले गए। हाँ, रिजर्वेशन। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी लगते ही देवरी जनपद पंचायत अध्यक्ष कुमारी आंचल आठिया घटना स्थल पर पहुंची और उनके द्वारा 108 पर फोन किया और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने में सहायता की। वहीं कार की नंबर प्लेट टूट जाने के कारण नंबर स्पष्ट नहीं हो पा रहा। एक्सीडेंट की घटना हुई है, क्या कैसी घटना है? एक्सीडेंट, ये बारात में रसैना गई हुई थी झामर से, इनकी शादी थी तो वहाँ से लौट रहे थे, तो जमुनिया पंडित के यहाँ स्पीड में थे, गाड़ी पलट गई थी, एक्सीडेंट हुआ। उन लोगों को इधर हॉस्पिटल भिजवाया, उपचार चल रहा है। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में लगभग 6-7 लोग थे। सागर से प्रशांत साहू की रिपोर्ट।